हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, हाईटेक प्लम्बर पे। आज हम जानेंगे कि पाइपलाइन की प्रेशर टेस्टिंग कैसे की जाती है। पहले तो आपको ये मशीन चाहिए जो टेस्टिंग करती है। आप सभी पॉइंट पे प्लग मार लीजिए। मारने के बाद अच्छे से टाइट कीजिए कि जब प्रेशर टेस्टिंग होती है तो वो छूट जाता है। और आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। बाथरूम कंसील लाइन की अगर आपको फिटिंग देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते और बाथरूम के हैं। बाहर आप एक वॉल ज़रूर मार लीजिएगा, क्योंकि वॉल मारना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर देना। ये देखिए, हम इस लीवर को जब तक मारेंगे, हमारा टारगेट है 2.5 बार प्रेशर देना है। तो उसके लिए आपको 2.5 तक इस गेज को चढ़ाना होगा। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे 24 घंटे भी रख सकते हैं या फिर 2-3 घंटे भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तो आप 24 घंटे रखेंगे तो बेहतर होगा। इसी तरह से आपकी पाइपलाइन की पूरी टेस्टिंग हो जाती है, क्यों? टाइल्स लगाने के बाद अब जब लीकेज होगा तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी। टाइल्स फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर रिपेयर करके फिर से लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप सब जगह पे उंगली डाल के भी देख सकते हैं कि पानी कहीं पे ड्रॉप तो नहीं आ रहा है। गर्म और ठंडा दोनों लाइन में आपको सही से चेक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।